सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र इस बात का ध्यान रखे, जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के लेबर या हाउसकीपिंग वाले आते जाते हैं आपके ड्यूटी के अंदर, तो उनको नॉर्मल चेक कर लो, क्योंकि बीड़ी माचिस गुटखा तम्बाकू लाइटर सिगरेट चाकू छुरी पिस्टल रिवॉल्वर या शराब ऐसी इलीगल वस्तु अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड अपने कर्तव्य के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही नहीं करना है, अपनी ड्यूटी के दौरान बिल्कुल परफेक्ट और ईमानदारी से वफादारी से आपकी ड्यूटी का कर्तव्य का पालन आपको करना है। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी जब भी बाहर या अंदर आते हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखें। अपनी ड्यूटी के दौरान आपको अपने क्षेत्र के अंदर अपने एरिया के अंदर आपको पेट्रोलिंग करना है, गश्त लगाना है। ये बहुत चारों तरफ घनी बस्ती है, ये भेंडी बाज़ार, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, यहाँ के लड़के लोग बहुत बदमाश है। आपके पास कभी आते हैं रात में तो आप हमेशा सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, बाहर के लोगों से लड़कों से या किसी से बात नहीं करना है, इनको अंदर जाने की अनुमति कभी मत दो। ये चोर है, ये कभी भी कोई भी चोरी कर सकते हैं, कोई भी सामान लेके जा सकते हैं। और आप अपने एरिया के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर अनजान व्यक्ति अंदर प्रवेश कर लेगा तो कोई भी घटना या दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए अपने कर्तव्य के दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र हमेशा गेट के ऊपर मेन गेट के ऊपर अलर्ट रहेगा, सतर्क रहेगा और चारों तरफ ध्यान देगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखेगा। प्रेट सावधान सावधान है, एडी मिलाओ, नीचे मत देखो यार, देखो कितना खुला है, ये मिला लिया, क्यों नीचे देखते हो, कोई पानी है वहाँ, खड्डा है। अगर आपको अगर किसी ने बोला एडी मिलाओ, ये मिला लिया, आप नीचे देखोगे तो दो गुना होता है, डबल गुना होता है। सैल्यूट। जब भी कोई अधिकारी या ऑफिसर आपके ड्यूटी पोस्ट पर आते हैं और जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र का कर्तव्य बनता है सिखाए हुए तरीके से उनको सैल्यूट करना है, उनको सम्मान देना है, उनको इज्जत देना है। डाउन। अभी विसर्जन है, आप ऐसे खड़े हो, ऐसे हो जाना, सैल्यूट करना है दोनों ने। परेड ड्यूटी के लिए विसर्जन, दाहिने मुड़ो, सैल्यूट, डाउन जाइए।